आज राजस्थान ग्राम पंचायत सहायक महासंघ युवा का एक दल राजस्थान से दिल्ली ज्ञापन प्रेषित करने आया है। पिछले 3 माह से हमें वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा, ना ही हमारे कार्यकाल वृद्धि के आदेश दिए जा रहे हैं। इस संदर्भ में आज प्रभारी राजस्थान प्रभारी श्री अविनाश पांडे जी को अवगत कराया जाएगा, उन्हें अवगत कराया जाएगा। इससे पूर्व 24 तारीख को भी अवगत कराया गया था, जिससे उन्होंने एक पत्र सचिन पायलट जी को लिखा था। आज जो ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, उससे पूर्व जो हमने ज्ञापन दिया था उससे पढ़कर बताया जा रहा है। महोदय जी, उपरोक्त विषय को आधार मानते हुए लेख है कि हम 24,163 विद्यार्थी मित्र हाल में ग्राम पंचायत सहायक पिछले 12 वर्षों से राजस्थान सरकार में बतौर शिक्षक अपनी भागीदारी संविदा कर्मचारी के रूप में निभा रहे हैं। वर्ष 2014 में तत्कालीन सरकार ने कार्यकाल वृद्धि न कर हमें बेरोजगारी के अंधेरे में धकेल दिया, किंतु विद्यार्थी मित्रों के लगातार रोष प्रदर्शन व धरने के चलते सरकार ने एक नियत प्रक्रिया के तहत हमें ग्राम पंचायत सहायक कुल पद 27,000 पद पर 2017 में नियुक्ति दी। आज ग्राम पंचायत सहायक पद पर कार्यरत हमें 2 वर्ष पूर्ण हो गया है। हमारी नियुक्ति पंचायती राज में हुई, वे वेतन आहरण पंचायती राज से होता है, परंतु हमें कार्यभार शिक्षा विभाग का दिया गया है, जिसके चलते हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान हमें पंचायती राज में भेज दिया जाता है, वे कई बार हमारा वेतन बनने में 6 माह से अधिक का भी समय लग जाता है। हमें किसी भी प्रकार के अवकाश का प्रावधान भी नहीं है। महोदय जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि विद्यार्थी मित्र योजना के अनुरूप ही ग्राम पंचायत सहायक पद का हर वर्ष कार्यकाल बढ़ोतरी का आदेश जारी होता है, किंतु गत माह की दिनांक 19 मई 2019 को हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। सरकार को इस विषय में अवगत करवाने हेतु हमने कई ज्ञापन प्रेषित किए, साथ ही मुख्यमंत्री महोदय व उप मुख्यमंत्री महोदय से वार्ता कर उन्हें समस्या से अवगत करवाया, किंतु सिवाय आश्वासन हमें कुछ नहीं मिला। अतः महोदय, एक बार फिर हमें बेरोजगार होने का डर सता रहा है। महोदय, अब हम उम्र के उस पड़ाव में हैं, हम हमारे हक के लिए सरकार से लड़ने में असक्षम हैं। हमारी उम्र के महत्वपूर्ण 12 वर्ष हमने इस आस में कि हमें नियमित रोजगार मिलेगा, सरकार की विद्यार्थी मित्र में ग्राम पंचायत सहायक योजना में गवा दिए। महोदय, कांग्रेस सरकार ने विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में पृष्ठ क्रमांक 15 के बिंदु संख्या 10 कोष्टक में 3 व पृष्ठ क्रमांक 34 पर बिंदु संख्या 25 कोष्टक में 5 पर ग्राम पंचायत सहायकों को नियमितीकरण करने का उल्लेख भी किया है। महोदय, आपके माध्यम से हम राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत सहायक महासंघ की निम्न समस्याओं को तत्काल संज्ञान में लाया जाए। ग्राम पंचायत सहायकों को नियमित वे एक विभाग कर सेवा की आयु सीमा न्यूनतम 60 वर्ष की जाए। नियमितीकरण किए जाने तक न्यूनतम मानदेय 6,000 मासिक के स्थान पर 24,700 किए जाए, जिससे पारिवारिक जीवन का निर्वहन हम खुशी खुशी कर सके। रिक्त पदों या पद बढ़ाकर वंचित विद्यार्थी मित्रों का समायोजन किया जाए। अतः महोदय, हम आपसे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास रखते हैं कि आप हमारी समस्याओं का शीघ्र अतिशीघ्र निवारण करवा कर हमें वे हमारे परिवार को एक अच्छा भविष्य प्रदान करेंगे। ये पत्र हम 24 जून को श्री अविनाश पांडे जी को दे चुके हैं, जिसके संज्ञान में अविनाश पांडे जी द्वारा राजस्थान सरकार को अवगत भी करा दिया गया था, परंतु अभी तक कार्यकाल वृद्धि के आदेश नहीं हो पाए हैं। इस संदर्भ में आज हम पुनः दिल्ली की ओर आए हैं। आज देने वाला ज्ञापन इस प्रकार है। विषय है ग्राम पंचायत सहायकों के कार्यकाल वेतन वृद्धि व नियमितीकरण बाबत। महोदय जी, 19 मई 2019 को समस्त ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, उसके उपरांत आज दिनांक तक हमें मौखिक आदेशों के तहत हमारे नियुक्ति स्थल पर कार्यरत हैं। इस संदर्भ में हमने मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय व समस्त मंत्रिमंडल को हमारी समस्याओं से अवगत करवाया, किंतु आश्वासन के अतिरिक्त हमें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। महोदय, हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 2 विभागों की खींचतान, शिक्षा विभाग व पंचायती राज के चलते हमारा भविष्य मझधार पर लटका हुआ है और बीते 4 माह से हमारा मानदेय भुगतान नहीं किया जा रहा है। हमारी महोदय, हमारी पीड़ा को हम इस तरह समझिए कि 15 अगस्त के पावन अवसर व रक्षाबंधन के अटूट बंधन पर हम भीख मांगकर घरों से बाहर निकलने के लिए मजबूर हैं। महोदय, हम 27,000 परिवारों की दशा उस जिले की बात ही हो गई है, जिसे बगैर किसी पूर्व चेतावनी के एक बहुत बड़ी आपदा का सामना करना पड़ रहा है। इस बेरोजगारी रूपी आपदा में हमारे परिवार अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं।
महोदय आज समस्त प्रदेश भर से पदाधिकारियों का एक 100 सदस्यीय दल इस दिल्ली इसी आशा के साथ आपके यहाँ पहुँचा है कि आप राजस्थान सरकार से वार्ता कर हमारी समस्याओं का तत्काल निवारण करवाएंगे। हमारी प्रमुख मांगे निम्न है, ग्राम पंचायत सहायकों का कार्यकाल विस्तार कर नियमितीकरण किया जाए। नियमितीकरण किए जाने तक न्यूनतम मानदेय 6,000 के स्थान पर 24,700 किया जाए, जिससे पारिवारिक जीवन का निर्वहन कर सकें और रिक्त पदों या पद बढ़ाकर वंचित विद्यार्थी मित्र भाइयों का समायोजन किया जाए। आज जो सभी आप यहाँ से आए हैं